सकता है। और हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए और हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा आगे का सपना अधूरा है। और हमें अपने शिक्षकों से अच्छी बातें मिलती हैं जो हम अपने घर जाकर अपने भाई बहनों को भी सिखा सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी बात बोली। मैं अपने मन से जो बोलना चाह रही हूँ, मैं कोई परिभाषा नहीं, कोई किताब का ज्ञान नहीं, जो मेरे मन में है मैं आप लोगों से अपनी मन की बात बोलना चाहती हूँ कि शिक्षक और हम जो आपसी हम लोग का एक परिवार है, उसमें हम लोग का कैसा एक दूसरे के साथ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसा हम लोग का आपसी तालमेल होना चाहिए, ये सारी बातें। अभी उस समय अभी मैंने बच्चों को अभी जो आप लोग के साथ प्रॉब्लम्स आई है, अभी आप लोगों को याद है मैं जब भी आप लोगों की काउंसलिंग करती हूँ हमेशा पूछती हूँ कोई प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आप लोगों से इसलिए नहीं पूछती हूँ कि आप लोग मुझे किसी की इधर की उधर की बुराइयां बताइए। रीजन ये होता है कि आप लोग की, मैंने कहा मन में, आप लोग के मन में कुछ भी ऐसा कोई विचार नहीं आना चाहिए जिससे आप लोग को तकलीफ हो रही हो, जिससे आपके मन में कुछ भी गलत चीज आ रही हो कि आप लोग अपने शिक्षा से भटको। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग का सबसे पहले तो अपना मन खुश रखिए। अपने मन में कोई भी किसी के प्रति कोई ऐसे विचार मत रखिए। देखिए अभी आपने चीज सीखी है कि सीखना सिखाना दोनों बात है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मैंने आपके पेरेंट्स से बात करी थी, आपके पापा से, रमेश तोमर है ना, वो भी अभिभावक संघ के यहाँ अध्यक्ष भी है, जो भी है, ऐसे बात हो रही थी कि बच्चों के लिए कि बच्चे सफाई करते हैं, बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं, सारी बातें हो रही थी। मैंने बात बोली, देखो स्कूल में भी हम करवाते हैं, करवाते हैं ना, आपसे बोलते हैं कि अपने कमरे के टेबल में भी नीचे कचरा नहीं होना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए या अपनी क्लास को भी पूरा साफ रखिए। मैं बोलती हूँ